नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 29 अगस्त सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष के बाद अब महासचिव ने भी सोमवार को तेवर दिखाए। छात्र संघ के नवनिर्वाचित महासचिव अरविंद जाजड़ा ने सोमवार को केंद्रीय पुस्तकालय का ताला तोड़ा। इसके बाद वे पुस्तकालय में अपने समर्थकों के साथ अंदर घुसे और एक दरवाजे के भी लात मारी। इस दौरान उनके कार्यकर्ता एबीवीपी जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक के महामुकाबले की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कबड्डी खेलते हुए दाव आजमाए। जोधपुर के पाल गांव में हुए उद्घाटन के बाद कबड्डी का मुकाबला शुरू हुआ तो गहलोत खिलाड़ियों के बीच पहुंच गए। गहलोत को मैदान पर देखकर कांग्रेसी नेताओं और अन्य लोगों ने उन्हें कबड्डी खेलने के लिए बुलाया तो वे मना नहीं कर सके। सामने वाले पाले में जोधपुर के कुछ कांग्रेस नेता खड़े हो गए और गहलोत रेडर बन गए। गहलोत ने रेड की और फिर ठहाकों के साथ अगले कार्यक्रम के लिए निकल गए। अगस्त का महीना खत्म हो रहा है और सितंबर शुरू होने जा रहा है। हर महीने की शुरुआत में कई नियम और चीज़ों में बदलाव होता है। सितंबर की पहली तारीख से कुछ नियम बदले जा रहे हैं। इन बदलावों से बैंकिंग से यात्रा को लेकर नियम शामिल हैं। 1 सितंबर से महंगाई की मार पड़ने वाली है। अगले महीने से यमुना एक्सप्रेसवे, जनरल इंश्योरेंस, नेशनल पेंशन स्कीम, प्रॉपर्टी खरीदने और नई गाड़ी खरीदने के नियमों में बदलाव हो रहा है। अगर आप 18 साल या उससे अधिक आयु के हैं और बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आप पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेकर लोगों तक पोस्ट ऑफिस की सर्विस पहुंचाकर कमाई कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पोस्ट ऑफिस वर्तमान में 2 तरह की फ्रेंचाइजी देता है। पहली आउटलेट फ्रेंचाइजी और दूसरी एजेंट फ्रेंचाइजी। दोनों ही फ्रेंचाइजी को लेने के लिए आप इंडिया पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन कर सकते हैं और दोनों ही फ्रेंचाइजी के बारे में जानकारी भी ले सकते हैं। पंजाब के मंत्री अमन अरोड़ा ने सोमवार को बताया कि उन्होंने फिल्मकार इम्तियाज अली से मुलाकात की और राज्य में फिल्मों के जरिए पर्यटन को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा की। राज्य के सूचना जनसंपर्क मंत्री अरोड़ा ने ट्विटर पर निर्देशक के साथ तस्वीरें भी साझा की। मंत्री ने लिखा, जब वी मेट, बॉलीवुड के निर्देशक, निर्माता और लेखक के साथ चंडीगढ़ के मेरे कार्यालय में बैठक की। प्रथम पूज्य भगवान गणेश का जन्मोत्सव गणेश चतुर्थी बुधवार 31 अगस्त को धूमधाम से मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी को लेकर घरों और मंदिरों में तैयारियां चल रही है। जयपुर के बाजारों में गणपति बप्पा की मूर्तियां सज गई है। बाजार में 1 फीट से लेकर 15 फीट तक की गणेश प्रतिमाएं उपलब्ध है। 10 फीट से अधिक की प्रतिमाएं बुकिंग के हिसाब से तैयार की गई हैं। इनकी बुकिंग कई दिन पहले ही करा दी गई थी। उदयपुर में मणिपुरम गोल्ड लोन के ऑफिस में 5 हथियारबंद बदमाश घुस गए। लुटेरे 24 किलो सोना और 11 लाख रुपए कैश लूटकर ले गए। शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र के सुंदरवास इलाके में दिन दहाड़े हुई वारदात से सनसनी फैल गई। बदमाश नकाब पहने हुए थे। वे सोमवार को 9:22 पर बैंक में घुसे और 9:45 पर लूटपाट करके निकल गए। कंपनी ने जिस बॉक्स में गोल्ड के गहने और जेवरात रखे थे उसमें जीपीएस ट्रैकर लगा रखा था। दिलचस्प है कि लुटेरे ट्रैकर निकाल कर वहीं फेंक गए ताकि उन्हें ट्रेस ना किया जा सके। बताया जा रहा है कि कंपनी के इस ऑफिस में 1100 लोगों का सोना जमा था। ASPCT चंद्रशील ठाकुर ने बताया कि सुंदरवास मेन रोड पर मणिपुरम गोल्ड लोन का ऑफिस है। किसानों के लिए लड़ने वाले राकेश टिकैत ने कहा है कि न्यूनतम खरीद मूल्य के लिए देशभर में बड़ा आंदोलन होगा। टिकैत बीकानेर में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी के यहाँ उनके माताजी के निधन पर शोक व्यक्त करने आए थे। बाद में पत्रकारों से बातचीत में टिकैत ने कहा कि किसान को फसल खरीद के लिए न्यूनतम खरीद मूल्य तय करना ही होगा। केंद्र सरकार को MSP के लिए नए सिरे से नियम बनाने होंगे ताकि किसान को उचित मूल्य मिल सके। वर्तमान MSP से किसान का शोषण हो रहा है। बाजरा, मूंगफली और सरसों की खरीद MSP पर होनी चाहिए। सवाई माधोपुर में भाजपा किसान मोर्चा ने जिले की विभिन्न समस्याओं को लेकर सोमवार को धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद समस्याओं के समाधान के लिए राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदेश कार्य समिति सदस्य ने बताया कि प्रदेश में पिछले 3 माह से गौवंश लंपी रोग से ग्रसित है। इसी तरह चंबल में आई बाढ़ से जिले के खंडार क्षेत्र के कई गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इससे लोगों को आर्थिक नुकसान हुआ है। वहीं पिछले दिनों जिले के खिजूरी गाँव में टीचर ने बालिकाओं से छेड़छाड़ की थी। धौलपुर में 25 अगस्त को चंबल का जलस्तर अपने उच्चतम स्तर 146.50 मीटर पर पहुंचने से 120 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए थे। गांव में 3 दिन तक पानी भरने की वजह से जिले के सैकड़ों किसान बर्बादी की कगार पर आ गए हैं। सोमवार को बाढ़ का पानी उतरने के बाद राजाखेड़ा क्षेत्र के दर्जनों गांव में नुकसान दिखाई देने लगा है। बाढ़ और बारिश से कई मकान धराशायी हो गए हैं तो पानी भरने की वजह से ज़्यादातर मकानों में दरारें आ गई है। वहीं क्षेत्र में फसलें भी खराब हो गई हैं। प्रशासन नुकसान के आकलन में जुटा है।
हनुमानगढ़ में पुलिस ने 10 लाख रुपए से अधिक की ठगी के मामले में दो सगे भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर मंगलवार तक पुलिस रिमांड पर लिया है। आरोपियों ने कृषि भूमि से लिए गए लोन को बिना जमा किए जमीन को बेच दिया। जांच अधिकारी ASI जयसिंह ने बताया कि ठगी के मामले में मोहम्मद रमजान और उसके भाई अब्दुल शकूर को गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि लीजा गोयल ने 16 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई। अजमेर ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अंतर्गत सोमवार को प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने जिले में ग्राम पंचायत स्तरीय खेलों का माकड़ वाली ग्राम पंचायत के मुख्य समारोह में शुभारंभ किया। पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ एवं मसूदा विधायक राकेश पारिक ने भी समारोह में शिरकत की। प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कहा कि राज्य सरकार की इस योजना से ग्रामीणों में खेलों के प्रति निकटता आएगी। खेलों का ये आयोजन भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।